हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू द डिस्कस चैप्टर 6 मेमोरीज़ ऑफ चाइल्डहुड बाय द जिटकलसा एंड वामा। और बुक है विस्टास और क्लास 12th सप्लीमेंट्री रीडर इन इंग्लिश क्लास 12th। इसका जो हम सेकेंड स्टोरी है वो पढ़ेंगे बाय द भामा। जो फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट स्टोरी हम कवर अप कर चुके हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय द भामा। अब भामा जो हैं, अबाउट ऑफ कुछ लाइंस उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन है उनका पैन नेम है भामा, तमिल दलित वुमेन है, लाइक अ लोअर स्टेटस से बिलोंग करती हैं, एंड वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली। और शी इज़ अ पब्लिश 3 मेन वर्क्स इन ऑटोबायोग्राफी। एंड जो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उसका क्या जो नेम है वो क्या है, कारुकु। और कारुकु से उन्होंने जो ये एग्जर्प पार्ट लिया गया है, वहाँ से जो स्टोरी निकाली गई है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये वहाँ से लिया गया है। उनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है जो वो शेयर करना चाहती हैं कि किस तरीके से अंदर सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है और किस तरीके से उसको वो ओवरकम करती हैं थ्रू द स्टडी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट हमने द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर कवर कर लिया है। अब लेट्स स्टार्ट टू द नेक्स्ट स्टोरी, वी टू आर ह्यूमन बींग्स बाय द भामा। ये इनका चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है और इंटरेस्टेड है, सो वी गोइंग टू थ्रू द लाइन टू लाइन। व्हेन आई वॉज स्टडिंग इन द थर्ड क्लास, जब मैं थर्ड क्लास में पढ़ती थी, आई हैडन्ट येट हर्ड पीपल स्पीक ओपनली ऑफ अनटचेबिलिटी। तो दैट टाइम वो कहती हैं कि मैंने मतलब कभी ओपनली नहीं सुना था अनटचेबिलिटी के बारे में, कोई बात कर रहा है यानी छुआछात। तो बट आई हैड ऑलरेडी सीन, बट मैंने देखा, फेल्ट, एक्सपीरियंस एंड बीन ह्यूमिलेटेड। मैं खुद भी उसको, मतलब उन्होंने इस इंसल्ट को देखा या उनके साथ वो हुआ, बाय व्हाट इट इज़। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने क्या करी हैं, खुद एक्सपीरियंस करी हैं, देखी हैं, महसूस करी हैं, क्या किस तरीके से ह्यूमिलेटेड हुआ है। तो ये सारा ओपनली उन्होंने कभी किसी को स्पीक करते हुए नहीं देखा, बट एक्सपीरियंस उनका है। आई वॉज़ वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एक बार मैं स्कूल से घर के लिए जा रही थी, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर, और मेरा जो बैग था वो मेरे शोल्डर पे टंगा हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। वैसे तो अगर एक्चुअली टाइम देखें तो 10 मिनट का ही डिस्टेंस है, 10 मिनट के अंदर वो कवर अप हो जाता है, बट यूजअली इट वुड टेक मी 30 मिनट एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। मिनिमम मुझे कितना टाइम लगता था उसे कवर करने में, 30 मिनट्स, यानी हाफ आवर्स तो उसको लग ही जाते थे 10 मिनट से के रास्ते को कवर करने में। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर, कभी हाफ एन आवर से 1 आवर भी हो जाता था, टू ड्वेडल अलोंग, यानी ड्वेडल अलोंग मीन्स टू मूव स्लोली, क्योंकि वो बहुत स्लोली मूव करती थी, बहुत धीरे धीरे जाती थी। वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स दैट वर गोइंग ऑन, जो रास्ते में उसको गेम्स दिखते थे या फन देखती थी वो इंजॉय करती जाती थी। ऑल द एंटरटेनिंग नॉवेलिटीज़ एंड ऑडिटीज़ इज़ द स्ट्रीट्स द शॉप्स एंड द बाजार। नॉवेलिस्ट एंड ऑडिटीज़ मीन्स क्या होता है, नॉवेलिटीज़ यानी न्यूनेस, जो नई नई चीज़ें होती हैं एंटरटेनिंग की। ऑडिटीज़ मीन्स होता है स्ट्रेंज थिंग्स, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज होती हैं और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं स्ट्रीट्स में। तो जिस रास्ते से वो जाती थी, बहुत स्लो जाती थी, वॉचिंग करते हुए फ़न और गेम्स को इन्जॉय करते हुए जाती थी थ्रू द शॉप्स बाजार, इसीलिए उसको इतना टाइम लगता था। द परफॉर्मिंग मंकी, जो मंकी का परफॉर्मेंस होता था, स्नैक विच द स्नैक चार्मर कैप इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्ले फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो स्नैक चार्मर होता था, जो मतलब स्नैक को अपने स्नैक को अपने पास रखता था बॉक्स में, तो वो कभी कभी बॉक्स खोलता था फिर बंद कर लेता था, तो इस तरीके से वो डिस्प्ले करता था टाइम टू टाइम। एंड एक साइकिलिस्ट होता था जो कि क्या कर रहा है, हु हैड नॉट गोट ऑफ हिज बाइक, वो अपनी बाइक से तब तक नहीं उतरता था एटलीस्ट 3 डेज, एंड हु कैप पैडलिंग, जो कि कंटिन्यू पैडलिंग कर रहा है एज अ हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ, और वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे यानी मॉर्निंग से स्टार्ट होता था और वो कंटिन्यू पैडलिंग करके चलता रहता था, अपनी साइकिलिस्ट को चलाता रहता था राउंड टू राउंड। एंड द रुपी नोट्स दैट वर पिन ऑन द ही शर्ट टू स्पर हिम ऑन, स्पर यानी एनकरेज, तो जो उसकी शर्ट में
रुपीस का जो नोट होता था वो पिन रहते थे, यानी कोई उसको अगर शर्ट में उसके पैसे डाल दे या उसके जो उससे उसको बहुत ज़्यादा इनकरेज मिलता था कि और भी ज़्यादा वो उस चीज़ को करने के लिए कोशिश करता था। तो मेन जो उसका टारगेट रहता था ज़्यादा से ज़्यादा वो अर्न कर सके थ्रू द अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो वो जो रुपीज़ का नोट है वो उसको इनकरेज करता था, जब भी कोई उसकी उस पर पिन कर देता था शर्ट पे या फिर उसके पास ऑलरेडी लगे हुए होते थे नोट और उसके बाद वो उसके शर्ट पे के थ्रू उसके पास आते रहते थे, कोई ना कोई मतलब जैसे उसका गेम देख रहा है तो उसको इनकरेज करने में हेल्प होती थी। स्पिनिंग व्हील्स और जो स्पिनिंग व्हील्स होते थे वो उसको देखती थी। एंड मटियाटा टेम्पल मारियाटा टेम्पल देखा एंड ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, वहाँ पे टेम्पल में बहुत बड़ी एक बेल रिंग लगी हुई थी। एंड द पोंगल ऑफरिंग बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, और वहाँ पे प्रसाद बढ़ता रहता था। एंड द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ द गांधी, और गांधी जी का एक स्टैचू था, उसके बाद ड्राई फिश का स्टॉल लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा वो भी इंटरेस्टिंग था, अट्रैक्टिव था। एंड द स्वीट स्टॉल सेलिंग फ्राई स्नैक एंड ऑल अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, और जितनी भी शॉप्स थी नेक्स्ट टू नेट वो सारी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ करती थी। स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डिमॉन्स्ट्रेटिंग हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वायलेट, और वो स्ट्रीट लाइट्स को भी देखती थी जो कि अपने आप चेंज होती रहती थी कि कलर ब्लू टू वायलेट कैसे हो रहा है। एंड द नारिकुरम हंटर जिप्सम जो कि एक ट्राइबल कम्युनिटी है वहाँ पे, वो क्या कर रहे होते थे विद हीज वाइल्ड लैमर इन केज, और उनका जो एक मंकी होता था या एनिमल्स होते थे लैमर यानी मंकी, और वो उसे केज में रखा हुआ था, वो निडल सेल करते थे या क्ले बीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, यानी कान साफ करने वाले के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं या मिट्टी के बीड्स होते हैं, निडल होती है, ये सारी चीज़ें वो सेल करते थे। उनके पास वाइल्ड एनिमल्स भी होते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और वो इसी तरीके से इन चीज़ों को देखती रहती थी। एंड ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, और हर एक वो चीज़ उसको वहाँ पे क्या करती थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी कि वहीं पे वो रुक जाए, थम जाए एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, और कोई भी एक चीज़ उसको आगे जाने के लिए अलाउ नहीं करती थी। इतनी अट्रैक्टिव होती थी कि वो वहीं पे बस उसको देखती रहे। At time people from various political parties would arrive, उस टाइम पे बहुत सारी political parties भी कभी कभी हुआ करती थी। put up a stage, उनका stage होता था, and harangue us through their mics, और बहुत ही ज़्यादा strong speech lecture मतलब दे रहे होते थे political leaders parties, तो through the stage के जो atmosphere है वहाँ पे मतलब political parties भी उस स्ट्रीट्स में हुआ करती थी। एंड देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, और जैसे स्ट्रीट में कोई नाटक चल रहा है या पपिट शो चल रहा है, और नो मैजिक एंड नो मिरेकल, और कई बार बिना मैजिक और बिना मिरेकल के भी शोज हुआ करते थे, या कोई भी प्ले चल रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टंट परफॉर्मेंस होती थी। तो ये सारी चीज़ें इस मतलब टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ होता रहता था। ऑल दिस वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, मतलब कभी कुछ एंटरटेनमेंट हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है, बट हमेशा गोइंग ऑन कुछ ना कुछ वहाँ पे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग चलता रहता था। इवन अदर वॉइस देयर वर द कॉफ़ी क्लब्स इन द बाजार, कई बार वहाँ पे जो कॉफ़ी क्लब होते थे एक्सेप्ट ऑफ इन रेस्ट ऑफ ऑल पार्ट, इसके अलावा भी वहाँ पे कुछ चीज़ें होती थी। द वे ईच वेटर कूल द कॉफ़ी, तो जो वेटर हुआ करते थे वो कॉफ़ी को कूल करने के लिए लिफ्टिंग अ टम्बर हाई अप, वो बहुत ज़्यादा टम्बर को ऊंचा उठा के वहाँ से उससे फिर पॉरिंग करते थे। इट्स कंटेंट इन टू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज अदर हैंड, मतलब दो हाथों में टम्बलर, एक में कॉफ़ी है और दूसरे में उसको डालना, मतलब एक से दूसरे में डाल के उसको क्या करना, ठंडा करना। तो ये आपने यूजुअली कभी देखा भी होगा, तो वो कंटेनर टम्बलर में क्या कर रहा है, पोरिंग करके ठंडा कर रहा था, दूसरे हाथ में डालना फिर दूसरे वाले टम्बलर में डालना। एंड और द अदर वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप चॉपिंग अप ओनियन, और दूसरी शॉप में उसे वो देखती है किस तरीके से अनियन चॉपिंग हो रही है। एंड देयर आईज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, और किस तरीके से वो अपने उन्होंने फेस या आइज को टर्न किया हुआ है उस साइड से, जैसे कि हम चॉपिंग करते हैं अनियन को तो आइज से क्या होता है, बहुत ज़्यादा
मतलब टीयर्स बाहर आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, आँख में लगता है। तो इसीलिए फेस को टर्न करना या दूसरी साइड देखना वो एक वे है कि किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं। तो प्यास से आँख में होने वाले पेन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, फेस टर्न कर रखा था। एंड द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर, वहाँ पे आमंड ट्री थे, उसमें फ्रूट उनका लगा हुआ था, वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड और हवा की वजह से गिर जाना। एंड ऑल दीज साइट्स टेकन टूगेदर वुड टेदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। टेदर मीन्स क्या होता है, टाई अप। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारी साइट्स थी वो उनको अपने में टाई अप करके रखती थी, अट्रैक्ट करके रखती थी और उसको आगे जाने से रोकती थी कि घर जाने से अच्छा है कि ये सारी चीज़ें हम वो देखें, इंजॉय करें, एंटरटेन करें और अट्रैक्टिव हुआ करती थी। तो ये सारा वो जो रास्ते से वो जाती थी, ये सारी चीज़ें वो इंजॉय करते हुए जाती थी। और एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग बहुत सारे अलग अलग, देयर वुड बी मैंगो, कुकम्बर, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, पाम सूट्स, क्राम, पाम सिरप, पाम फ्रूट, गुआवा, जैक फ्रूट। एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट, सैवरी एंड फ्राइड स्नैक एंड पाइजेम एंड हलवा, बॉयल्ड टमराइन सीड्स एंड आइस लॉलीज। ये सारी चीज़ें मतलब उसको सीजन के अकॉर्डिंग वहाँ पे सब सेल करते हुए जो सेलर हुआ करते थे वो दिखाई देती थी। स्टॉल थी अलग अलग, सब तरीके की अलग अलग टाइप की जैसे शॉप्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें वो ऑलरेडी उसमें देखती थी। एंड गेजिंग एट ऑल दीज, उन सब चीज़ों को देखना। एंड वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, एक दिन वो अपनी गली में जब वापस में आ रही थी, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, और मेरा जो बैग था वो क्या था, मतलब उस स्लैंग था, लटका हुआ था उसके शोल्डर पे। एंड एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेसिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप, और अपोजिट साइड में क्या था, एक थ्रेसिंग फ्लोर सेटअप किया हुआ था। थ्रेसिंग फ्लोर क्या होता है, जिस जो एक मशीन होती है जिसमें जो मतलब स्ट्रॉ होता है, और मतलब जो चावल है, उस धान है, उसका स्ट्रॉ को अलग करना, हस्क को अलग करना ग्रेन से। तो वो एक सेटअप लगाया हुआ था और लैंडलॉर्ड जो है वो इस प्रोसीडिंग को देख रहा था कि किस तरीके से जो लेबर है वो काम कर रही है इस चीज़ पे। एंड सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज, और वो किस पे बैठा हुआ था, एक लेज यानी जो एक शेल्फ है, तो वो एक शेल्फ के ऊपर स्प्रेड कर रखा था एक बोरा, लेग ऑफ जो थोड़ा सा अपना पैर है उस पर रखे, मतलब जो बोरा है वो उस पर बिछा के बैग डाल के उसके ऊपर बैठा हुआ था। किसके ऊपर, जो कि एक स्टोन की एक वो बनी हुई थी, शेल्फ बनी हुई थी। ओवर पीपल, अवर पीपल, अवर पीपल मीन्स लाइक वो अपने आप को कह रही है, लाइक वो जहाँ से बिलोंग करती है, दलित स्टेटस से या लोअर स्टेटस से बिलोंग करती है, तो कहती है हमारे जैसे पीपल जो हैं वो हार्डवर्क कर रहे थे, ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स, और वो हाँक रहे थे जो कैटल्स हैं, राउंड एंड राउंड गोल गोल घुमा रहे थे। उस टाइम पे थ्रेसिंग मशीन नहीं थी तो वो थ्रू द कैटल के थ्रू ही करा रहे थे। मतलब किस तरीके से एक प्रोसेस होता है कि ग्रेन अलग करना और स्ट्रॉ अलग करना और धान निकालना। एंड टू ट्रीड आउट द ग्रेन फ्रॉम, ट्रीड यानी किस तरीके से वो वॉक कर रहे थे उस पे, और ग्रेन को अलग करने के लिए स्ट्रॉ से। एनिमल वर मुजल, और एनिमल्स के मुंह पे एक के बांध रखा था, क्या बांध रखा था, जैसे कि कुछ खा ना सके तो कवर कर रखा था उसका माउथ जो एनिमल का था, क्योंकि एनिमल्स की हेल्प से ही ये थ्रेशिंग हो रही थी। एंड सो दैट दे वुडेंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ, जिससे कि उसका मुंह बंद रहेगा तो वो स्ट्रॉ नहीं खा पाएंगे। एंड आई स्टूड फॉर अ वाइल दे आर वॉचिंग द फन, और ये सब चीज़ें वो देख के दूर से बहुत इंजॉय कर रही थी। जस्ट देन एन एल्डर, और जब भी एक एल्डर आता है आवर स्ट्रीट में, कम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार, और बाजार की डायरेक्शन से, द मैनर इन द विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डेवलप, यानी जिस तरीके से वो आ रहा था उस डेवलप, यानी एक लाफ्टर सीन था, लाफ आउट लाउड ब्रस्ट आउट कह सकते हैं कि उसकी हंसी रुक पाना बहुत मुश्किल था, डेवलप यानी बहुत जोर से वो हंसी, उसकी हंसी नहीं रुक रही थी जिस तरीके से उसने उसको देखा। आई वॉन्टेड टू श्रिक
with laughter at the sight of such a big man carrying a small packet in that fashion. और स्रिकियानी ब्रस्ट आउट, तो मतलब वो हंसना चाहती थी जोर जोर से इस सीन को देख के कि इतना बड़ा आदमी एक छोटा सा पैकेट उठा के किस तरीके से उठा के लेके आ रहा है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था. आई गेस देयर वॉज अ समथिंग लाइक अ वड़ाई और ग्रीन बनाना भाजी इन दिस द पैकेट. तो उसने आइडिया लगाया कि इसके अंदर वड़ाई और बनाना भाजी होगी बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्ट्रेन विद ऑयल, क्योंकि उस रैपिंग पेपर में क्या लगा हुआ था, ऑयल लगा हुआ था. ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय द स्ट्रिंग, उसने पूरे पैकेट को एक धागे से पकड़ा हुआ था विदाउट टचिंग इट, उसको टच करे बिना. आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, मैंने अपने वहाँ खड़े होकर अपने आप से सोचा, इफ ही होल्ड इट लाइक दैट वॉन्ट द पैकेट पैकेज कम अनडन एंड द वड़ाईज फॉल आउट, कि क्या होगा अगर ये पैकेट खुल गया और वड़ाई जो है वो नीचे गिर गया. तो इस तरीके का पैकेट है कि जिसने इसने इतने बड़े आदमी ने छोटे से पैकेट को एक थ्रेड से पकड़ा हुआ है और वो उसको लेकर आ रहा है. तो इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और उसको अपनी कंट्रोल नहीं हो रही थी. एल्डर वेंट स्ट्रेट अप टू द लैंडलॉर्ड, और वो सीधे कहाँ पहुँचता है, जो वो बड़ाई का पैकेट लेकर लैंडलॉर्ड के पास, एंड वो बाउ लो थोड़ा सा झुकता है, एक्सटेंड द पैकेट टू वर्ड हिम, उसको दे देता है. एंड कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हीज अदर हैंड, यानी कपिंग यानी हैंड्स के ऊपर हैंड रख के झुक के वो उसको देता है, और स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ होता है उसने, ठीक है, इज अदर हैंड, और एक हाथ उसने के ऊपर दूसरा हाथ रख के वो स्ट्रिंग से पकड़ के उसको बड़ाई दे देता है. लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल, खोलता है, बिगन टू ईट द बड़ाइज, और वो खाना उसको स्टार्ट कर देता है. आफ्टर आई हैड वॉच ऑल दिस, ये सब चीज़ें देखकर एट लास्ट आई वेंट होम, वो घर पहुंचती है. माय एल्डर ब्रदर वॉज देयर, उसका भाई वहां पे था. आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, और ये सारी डिटेल्स वो अपने भाई को बताती है. एंड आई फेल अबाउट द लाफ्टर एट द मेमोरी ऑफ अ बिग मैन एंड अ एल्डर एट दैट मेकिंग सच अ गेम आउट ऑफ अ कैरिंग द पार्सल, और ये सारी स्टोरी वो अपने भाई को नरेट करती है, हंसते हुए बताती है कि किस तरीके से कितना बड़ा आदमी एक छोटे से पैकेट को उठा के लेके जा रहा था. बट अनन यानी जो उसका बड़ा भाई था वो वॉज नॉट अम्यूज्ड, वो हंसता नहीं है. वो उसको बोलता है, टोल्ड मी द मैन वॉजन बिंग फनी वैन ही कैरीड द पैकेज लाइक दैट, वो कहता है कि ये हंसने वाली बात नहीं है कि वो जिस तरीके से पैकेट लेके आ रहा था. ही सेड एवरीबडी बिलीव दैट दे वर अपर कास्ट एंड द देयर फोर मस्ट नॉट टच अस, तो हर कोई विश्वास करता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो हम जैसे लोगों को टच ना करें, यानी जो दलित लोग हैं, लाइक वो एल्डर था या वो मतलब भामा है या उसका भाई है, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, लोअर स्टेटस है. तो वो उस टाइम की सोसाइटी की बात हो रही है कि किस तरीके से सोसाइटी में ये बिलीव किया जाता था अपर कास्ट और लोअर कास्ट. अपर कास्ट के लोग को टच नहीं कर सकते थे और ना ही उनको अलाउ था. इफ़ दे डिड, अगर ऐसा होगा तो दे वुड बी पॉलिटेड, यानी जो अपर कास्ट के लोग हैं वो पॉलिटेड हो जाएंगे. दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए वो जो पैकेट था उसने स्ट्रिंग से उठा रखा था. एंड जब उसका भाई एक्सप्लेन करता है और वो ये सुनती है, व्हेन आई हर्ड दिस आई डिडंट वॉन्ट टू लाफ एनी मोर, तो जब वो नहीं हंसी एंड आई फेल्ट टेरिबल सैड, तो बहुत उदास हो जाती है. हाउ कुड दे बिलीव दैट इट वॉज द डिस्गस्टिंग इफ वन ऑफ अस हैड दैट पैकेज इन हीज हैंड, कि कैसे कोई ऐसे विश्वास कर सकता है, कितना डिसगस्टिंग है कि वो पैकेट ख़राब हो जाएगा कि अगर हमारा हाथ लग जाएगा. इवन दो द बड़ाई हैड बीन रैप फर्स्ट इन अ बनाना लीफ एंड देन द पार्सल इन द पेपर, और वैसे भी बड़ाई पहले रैप किया हुआ था बनाना लीफ से, उसके बाद पार्सल पेपर उसके ऊपर लगा हुआ था, तो कैसे पॉल्यूटेड हो सकता था अगर टच हो जाए. आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड एंड एंग्री दैट आई वॉन्टेड टू टच दोज रेस्ट वड़ाईज माई सेल्फ स्ट्रेट वे, वो बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड होती है, बहुत ज़्यादा भावुक होती है, इमोशनल होती है और रैच्ड होती है, बहुत उदास हो जाती है कि किस तरीके से छूने से, हमारे छूने से, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि ये हो. तो उसे गुस्सा आता है और वो कहती है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी जाके उस बड़ाई को छू लूँ, अभी जाके टच कर लूँ और उसको पॉल्यूटेड कर दूँ. उसको इतना गुस्सा आता है. एंड वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल, और हम क्यों लेकर आएँ
उनके लिए बड़ाई और क्यों हम उन लोगों को दें। आई वॉन्डर्ड, मैं सरप्राइज हूँ सच एन इम्पॉर्टेंट एल्डर ऑफ अवर गॉज मीकली, जो कि बहुत वीक है, इम्पॉर्टेंट है और मतलब एक एल्डर है हमारे जैसा, और जो कि वो क्या कर रहा है, वो बहुत वीक है और शॉप से फैच ले मतलब स्नैक्स लेके आता है एंड हैंड देम ओवर रेवलेंटली और उसको दे देता है। तो ये क्या है रेवलेंटली, यानी जिसे कह सकते हैं विद डीप रिस्पेक्ट। तो वो सब ये बोलता है कि ये हमें करने की क्या ज़रूरत है, कहती है भामा। एंड बॉइंग एंड श्रिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा झुकना और बहुत ज़्यादा मतलब उसको डर डर के मतलब श्रिंकिंग करके या बॉइंग विद रिस्पेक्ट मतलब झुक के, श्रिंकिंग डर डर के या रेवलेंटली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से, तो ये सब चीज़ें करके हमें क्या ज़रूरत है, वो मतलब बहुत सरप्राइज होती है। एंड टू दिस फॉलो टू हु जस्ट सिट देयर एंड स्टफ देम इन टू हिज माउथ, और बाद में वो उसको ठूस ठूस के खा रहा है अपने मुंह में। एंड द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरिएटेड मी, और ये सारी चीज़ें सोच सोच के उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और बहुत ज़्यादा वो इरीटेट हो रही है। हाउ वॉज इट दैट दीज फॉलोज थाट सो मच ऑफ देम सेल्फ्स, और ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं। बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coin टूगेदर डिड द मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, यानी उन्होंने 4 पैसे ज़्यादा कमा लिए तो उनके अंदर ह्यूमन फीलिंग्स ख़त्म हो गई हैं। बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम तो ह्यूमन बींग्स हैं। आवर पीपल शुड नेवर रन दिस पिटी अरेंट्स फॉर दिस फॉलो, और हम जो छोटे छोटे काम करते हैं अर्निंग करने के लिए, अवर पीपल यानी हम जैसे जो दलित लोग हैं या लोअर स्टेटस से बिलोंग करते हैं, शुड नेवर रन दीज, हमें ये नहीं करने चाहिए, उनके छोटे छोटे ये काम नहीं करने चाहिए। वी शुड वर्क इन दियर फील्ड्स, हमें उनके फील्ड में काम करना चाहिए एंड टेक होम अवर वेजेस, अपनी वेजेस लेनी चाहिए एंड लीव इट एट दैट, और बस छोड़ देना चाहिए। हम क्यों करें उनके छोटे छोटे काम। ये कौन बोल रही है, बामा। उनको बहुत गुस्सा आ रहा है जब उसके भाई उनको बताते हैं द रियल सिचुएशन इज इट। My elder brother who was studying at a university, मेरा जो बड़ा भाई है वो यूनिवर्सिटी में क्या करता था, स्टडी, एंड हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज, और हॉलीडेज़ के लिए वो घर पर आया हुआ था आता था। एंड ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन अवर नेवर विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स, और वो लाइब्रेरी में जाता था बुक्स लेने के लिए, बोरो करने के लिए। ही वॉज ऑन हिज वे, एक बार वो रास्ते में था घर से जब मतलब जा रहा था, ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, तो वो रास्ते में ही था एक दिन, वॉकिंग अलोंग ही द बैंक्स ऑफ द इरीगेशन टैंक, तो रास्ते में जो एक इरीगेशन टैंक है वहाँ से होते हुए जाता है। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, तो एक लैंडलॉर्ड उसके पीछे से आता है और बोलता है हु आर यू अप्पा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो आनंद उसे बोलता है, टोल्ड हिम हिज नेम, अपना नाम बताता है। इमिजिएटली द अदर मैन आस्क, तभी दूसरा मैन जो लैंडलॉर्ड है वो बोलता है थम्बाई, मतलब हाथ दिखा के उसको बोलता है रुको रुको, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कौन सी स्ट्रीट में आप रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो अवर कास्ट टू, इसका मतलब ये था कि अगर उसको स्ट्रीट का पता चल जाता कौन सी स्ट्रीट में रहता है, तो इसका मतलब उसकी कास्ट का भी पता चल जाता। अनन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, तो उसका बड़े भाई ने उसको सारी चीज़ें बताई, एंड ही एडेड बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, और वो बताते और चीज़ें बताते हुए कहता है क्योंकि हमने इस कम्युनिटी में जन्म लिया है, वी आर नेवर गिवन अप ऑनर टू डिग्निटी और रिस्पेक्ट, तो हमें ये सब चीज़ें रिस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं मिलेगी, वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमें इन सब से वंचित रखा गया है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे इनडिग्निटीज, लेकिन अगर हम हार्डवर्क करें, स्टडी करें, प्रोग्रेस करें, तो ये सारी चीज़ें जो डिसरिस्पेक्ट हैं या इनडिग्निटीज़ हैं, इसको हम दूर कर सकते हैं अपनी लाइफ से। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन, तो स्टडी ध्यान से करो, सारी चीज़ें सीखो। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन, अगर आप हमेशा अपने लेसन से आगे रहोगे, पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ऑन अकॉर्ड द अटैच देम सेल्फ टू यू, तो जो आपके आसपास के लोग हैं वो खुद अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से आपके पास आएंगे, आपको अपना फ्रेंड बनाएंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, तो हमेशा मेहनत करो, लर्न करो द वर्ड्स दैट एनन स्पोक टू मी, तो ये वर्ड जो है उसका बड़ा भाई जो है उसको बताता है भामा को, दैट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी, और उसके ऊपर बहुत गहरा
इसका इम्पैक्ट पड़ता है. एंड आई स्टडी हार्ड, और वो बहुत स्टडी हार्ड करती है विद ऑल माई ब्रेथ एंड बींग, अपनी पूरी सोल, अपनी पूरी बॉडी लगा देती है पढ़ाई में. इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट, यानी पागलों की तरह पढ़ाई करी उसने, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करी. एज एन एन हैड अर्ज, जैसे कि उसने, उसके भाई ने उसे बताया था. आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जो भामा है वो क्लास में फर्स्ट आती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और जो इसी वजह से उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं उसकी अचीवमेंट्स की वजह से. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है कि जो ऑलरेडी प्रिवेल करती हैं सोसाइटी में, जो सेट ऑफ बिलीफ है, अगर उसको हमें ओवरकम करना है तो दैट मीन्स आप क्या कर सकते हैं, थ्रू द स्टडी एंड थ्रू द योर हार्ड वर्क एंड थ्रू द योर प्रोग्रेस से ही कर सकते हैं. किसी के जो सेट ऑफ बिलीफ है उसको अगर आप दूर करना है तो यही एक तरीका है. ये बहुत अच्छा मैसेज है. और ये भी समझाने की कोशिश करिए दोनों स्टोरी में किस तरीके से पहले ये चीज़ें एग्जिस्ट करती थी और लोगों ने ये मतलब फेस किया है सिचुएशन. तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, हमारा सिलेबस ख़त्म होता है. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का सेशन अटेंड करेंगे. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.